चैनल आपी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ओपन करके देख लीजिए। क्लास LKG के बच्चों का डेली होमवर्क यहाँ पर मैं नोट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, क्लास सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो आप भी अपने बच्चों को, क्लास LKG में आपका बच्चा हो तो आप मेरे चैनल पर जा करके और डेली होमवर्क अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो आज हम कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ मॉम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम बेसिक तो करा लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर, जब कर्सिव की बात आती है तो हम अपने बच्चों को नहीं करा पाते हैं। और ये प्रॉब्लम सारी मॉम्स को फेस करनी पड़ती है जिन्हें कर्सिव राइटिंग नहीं आती है। तो कर्सिव राइटिंग कराने के लिए आपको खुद भी बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं आपने बच्चे को कॉपी दे दी और आपने प्रैक्टिस नहीं की। जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ कि मॉम भी कर रही है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जब बैठेंगे बच्चे के साथ कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करने तो बहुत जल्दी ही आपका बच्चा सीख जाएगा। तो अगर ए बच्चा बनाना सीखता है तो आप भी उसके साथ बैठकर ए बनाना सीखिए। कुछ सिखाने के लिए आपको अपना कीमती समय अपने बच्चों को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए आप एक कर्सिव बुक ले लीजिए इन दिस टाइप की। देन कर्सिव राइटिंग की बुक लेकर आप बच्चों को इन दिस टाइप, बच्चों को पैटर्न्स का पहले ये यूज़ कर लीजिएगा, सारा पैटर्न्स की बच्चों को प्रैक्टिस करा लीजिएगा। देन आफ्टर आज बच्चों को कर्सिव राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ए और स्मॉल लेटर ए हम बच्चों को सिखाएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स ए लेटर आप बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे? अगर आपके पास कर्सिव बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कर्सिव बुक नहीं है, कर्सिव आप कॉपी में भी, इंग्लिश की कॉपी में भी सिखा सकते हैं, या एक ड्राइंग का पेज ले लीजिए। ड्राइंग के पेज पे आप 4 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, रेड, ब्लू, ब्लू एंड रेड, इन दिस टाइप आप 4 लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद बच्चे को उस पर प्रैक्टिस कराइए कर्सिव राइटिंग की। तो आज जिसके पास बुक है वो अपने बच्चों को इन दिस टाइप प्रैक्टिस कराएगा। आज हम अल्फ़ाबेट्स ए देंगे और स्मॉल लेटर ए देंगे। तो कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस कराने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट मेक करना है, जस्ट लाइक दिस, ये डॉट मेकर। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हो बच्चे को तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक एक अल्फ़ाबेट्स बन नहीं जाता है तो आप अपने हैंड उठा नहीं सकते, जस्ट लाइक दिस। देखिए ये है कैपिटल लेटर ए, देखिए पेंसिल उठाई नहीं ना मैंने। जब तक आपका अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप अपनी पेंसिल को नहीं उठा सकते। कर्सिव राइटिंग की ये खासियत है कि जब तक कोई अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उठा करके उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो जब तक आपको क्या करना है, पहले डॉट मेक करनी है और फिर उसके बाद टॉप पर जाना है, फिर डाउन डाउन देन लाइक दिस, इन दिस टाइप बच्चों को कैपिटल लेटर की आप प्रैक्टिस कराएंगे। देन आफ्टर हम बच्चों को स्मॉल लेटर भी साथ में प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आपको फिर यहाँ पर एक डॉट मेक करना है, देखिए ब्लू लाइन पे डॉट मेक करते हुए आप जाएंगे ब्लू लाइन के पास और फिर हम पेंसिल को बिना उठाए और फिर इन दिस टाइप ए मेक करेंगे। फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर से जस्ट लाइक दिस डॉट मेक किया हमने, फिर टॉप पे गए, फिर डाउन, देन आफ्टर लाइक दिस। तो इस तरह से आज कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए की आप प्रैक्टिस कराएंगे कर्सिव लेटर में। तो आई होप आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और डेली ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर कर्सिव की चलेगी। आप भी अपने बच्चे को कर्सिव सिखाना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।